दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू प्लस कैंपस 2611 में। लाभ सिंह, प्रिया देवी, अमर हुड्डा, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, नमस्कार। तो आज आपका जिला रहेगा, देखिए जिला वाइज हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट आपकी बची हुई हैं, सिरसा और रेवाड़ी। उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, राकेश सिंहमार, वेरी गुड मॉर्निंग, जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपकी सिरसा। देखिए सिरसा को वन नगरी, संत नगरी, संत नगरी, संत से आप लोग समझ ही गए होंगे, संत नगरी, वन नगरी या फिर सरस्वती नगर इसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सिरसा किस किस जिले से लगता है, तब तक आप लोग क्लास शेयर कीजिएगा। तो ये रहा आपका सिरसा, यहां पर लास्ट बिल्कुल पश्चिमी जो दिशा है हरियाणा की, यहाँ पर आपका सिरसा जिला बिल्कुल पश्चिम में। एक ही जिला लगता है हिसार, सॉरी फतेहाबाद, ध्यान रखिएगा। राम राम सुनील जी। तो सिरसा जिला, और यहाँ पर आपका पंजाब से लगता है, ध्यान रखना है। इस साइड आपका राजस्थान से लगता है, तो दो राज्यों के साथ कवर करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसा, बिल्कुल। सिरसा आपका संत नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट, हालांकि वो अलग बात है कि पहले वाले संत नहीं रहे, तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिरसा की स्थापना। सिरसा में सबसे पहले बात करेंगे स्थापना कब हुई सिरसा जिला की, तो 26 अगस्त 1975। बेबी कुंडू, राहुल जांगड़ा, एलके सेन, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ऐप राहुल जांगड़ा जी, ऐप जल्दी ही आपकी आने वाली है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। हाँ 26 अगस्त, 15 अप्रैल तक आ जाएगी। तो स्थापना 26 अगस्त 1975, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उपनाम, उपनाम से पहले सॉरी नामकरण देख लीजिएगा, नामकरण। देखिए नामकरण की बात करें तो आपका सिरसा का जो प्राचीन नाम था वो सिरसुती, सिर सुती, ये आपका सिरसा का प्राचीन नाम था, याद रखिएगा। ये आपका किस ग्रंथ में पाया गया है, तो अष्टाध्यायी, पाणिनि ऋषि थे, उनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी। किसकी बुक थी, पाणिनि ऋषि की। तो इस पुस्तक में इसका नाम जो उल्लेखित किया गया है सिरसुती। इससे पहले आपको बताया था पाणिनि ऋषि की पुस्तक अष्टाध्यायी में हिसार का वर्णन इसुकार नाम से किया गया है। उसके अलावा एक और नाम था इसका सारस, राजा सारस होते थे, राजा सारस। इन्होंने 1357 में, देखिए इंपॉर्टेंट है, 1357 में राजा सारस ने इस नगर को सारस नाम से बसाया था, सारस। और उसी समय इसे कहा जाता था सरस्वती नगर, साथ में सरस्वती नगर भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई नाम हो गए आपके, एक बार देख लीजिएगा। राजा सार्स, वेरी गुड। लाभ सिंह, दीप नैन, राम राम, सॉरी दीप टोर, राम राम। तो स्थापना 26 अगस्त 1975। बात करें अगर इसके नामकरण या फिर इसका इतिहास, तो पाणिनि ऋषि की अष्टाध्यायी में सिरसुती नाम से इसका वर्णन किया गया है, और राजा सार्स ने 1357 में से सार्स नाम से बसाया था, और उसी समय में इसका उपनाम था सरस्वती नगर, यानी सरस्वती नगर के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद उपनाम की बात करते हैं, उपनाम तो उपनाम है आपका सरस्वती नगर, पहला ही सरस्वती नगर, वन नगरी कहा जाता है, और एक आपका तीसरा संत नगरी, संत नगरी। बड़े बड़े संत महात्मा यहां से हुए हैं।
राजा सार्स, बिल्कुल सरस्वती नगर, वन नगरी, संत नगरी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा सीटों की, विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे पहले सिरसा, कालांवली, रानिया, डबवाली और एक आपकी एलनाबाद। ये आपकी 5 सीटें हैं जिनमें से कौन सी आरक्षित है, वन नगरी, बिल्कुल सही लिखा आपने। इनमें से आरक्षित सीट कौन सी है वो देखेगा, तो आरक्षित सीट आपकी कालावली, रिजर्व सीट, ये आपकी रिजर्व रहेगी। उसके बाद सिरसा से गोपाल कांडा है, रानिया से ध्यान रखना है, ये रानिया वाली इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है किसके पास है, रानिया से जो विधायक है रणजीत सिंह चौटाला। कलामली की अगर बात करें तो यहां से हैं सिसपाल सिंह, सिसपाल सिंह। उसके बाद सिरसा से हो गए आपके गोपाल कांडा, एलनाबाद की सीट खाली है अभी, यहां से अभय सिंह चौटाला थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद डबवाली, डबवाली जो है यहां से है अमित सिहाग, अमित सिहाग, तो ये आपकी सीट थी विधानसभा की। इसी के साथ साइड में लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा की भी यहां पर सीट है, लोकसभा, तो लोकसभा सांसद है सुनीता दुग्गल, पूर्व IRS, सुनीता दुग्गल पूर्व IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से इनका संबंध था। और ये वाली जो सीट है ये आरक्षित है, ध्यान रखिएगा 2 सीट आपकी आरक्षित है, सिरसा और अंबाला, सिरसा व अंबाला जो सीट है ये आपकी आरक्षित सीट है लोकसभा की। विधानसभा सीट की बात करें तो एलनाबाद, सिरसा, कालावली, रानिया, डबवाली, ये आपकी सीट्स हैं जिनमें से कालावली आपकी रिजर्व सीट है। उसके बाद ध्यान रखना है नेक्स्ट प्रमुख मेले, प्रमुख मेलों की बात करें तो राधा स्वामी, सिकंदरपुर का मेला, ये आपका सिकंदरपुर गांव सिरसा में पड़ता है, वहां पर लगता है। उसके बाद रामदेव का मेला, गुरु गोविंद पर्व यहां पर मनाया जाता है, गुरु नानक देव पर्व ये भी यहां पर मनाया जाता है। उसके बाद गणगौर का मेला यहां पर लगता है, गणगौर हिसार व सिरसा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, एलनाबाद, हाँ एलनाबाद, JH ओलिवर, बिल्कुल 1863 में एलनाबाद का नाम, एक्चुअली एलनाबाद जो था वो पूर्णतः डूब गया था एक बार बाढ़ के कारण, एक रिवर फ्लो के कारण, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिवर फ्लो के कारण डूब गया था, ये दोबारा से बसाया था अपनी पत्नी के नाम से एलनाबाद, हाँ एलना पत्नी का नाम होता था, JH ओलिवर, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो रामदेव का मेला, गुरु गोविंद सिंह पर्व, गुरु नानक देव पर्व, गणगौर का मेला, और उसके बाद एक और है आपका गोलक का मेला, तो ये आपके मेले हैं ध्यान रखिएगा। एक आपका बाबा भूमण सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाबा भूमण सा मेला, तो ये ध्यान रखने आपको। प्रमुख मेलों की अगर बात करें, दीपक सिंह वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, बाबा भूमण सा मेला, राधा स्वामी सिकंदरपुर का मेला, रामदेव का मेला, गुरु गोविंद पर्व, गुरु नानक, देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, आपको ध्यान रखना है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद गुरु नानक पर्व, ये गुरु नानक सिखों के कौन से गुरु थे, पहले गुरु। गणगौर का मेला, ये भी आपका सिरसा हिसार क्षेत्र में लगता है, और गोलक का मेला, ये भी आपका सिरसा में लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करें प्रमुख हस्तियां,
प्रमुख हस्तियों की बात करें तो जादूगर शंकर सम्राट, जादूगर शंकर सम्राट ही आपका एलनाबाद से रिलेट करते हैं, जादूगर शंकर सम्राट। उसके बाद चांद बाई, पहली महिला जेल सत्याग्राही। सिरसा से थी चांदबाई, ध्यान रखना है, जादूगर शंकर सम्राट। वेरी गुड, बेबी कुंडू जी ने बिल्कुल सही लिखा है। तो जादूगर शंकर सम्राट कहां से है? सिरसा से। चांदबाई ये आपकी पहली महिला जेल सत्याग्राही थी। उसके बाद गोपाल कांडा, पार्टी है इनकी एचएलपी, हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, यानी राजनेता है। उसके बाद अगर बात करें तो सरदार सिंह, एक सरदार सिंह भी है, हॉकी से रिलेट करते हैं, सरदार सिंह हॉकी। उसके बाद धीरू मलखान, धीरू मलखान आल्हा काव्य, आल्हा काव्य से इनका संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर डॉक्टर गुलाटी के नाम से जाने जाते हैं, सुनील ग्रोवर। कौन आपका एक कपिल शर्मा का शो आता है, कॉमेडी विद कपिल, हाँ, मैन लाला मुरलीधर, वेरी गुड अलकिसन। सुनील ग्रोवर ये अभिनेता या फिर कॉमेडियन, अभिनेता लगा लीजिए। उसके बाद चांदबाई हो गया, अशोक तंवर, एक अशोक तंवर भी हैं, अशोक तंवर, अशोक तंवर ये भी राजनेता है, प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। तो ये आपके ध्यान रखेगा, जादूगर शंकर सम्राट, चांदबाई, गोपाल कांडा, अशोक तंवर, सरदार सिंह, धीरू मलखान और सुनील ग्रोवर, ये लगभग, हाँ डॉक्टर गुलाटी, बिल्कुल अनिल गिल, वेरी गुड मॉर्निंग सर अनिल जी। तो डॉक्टर गुलाटी के नाम से जाने जाते हैं कपिल शर्मा शो में। उसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है प्रमुख हस्तियों में, सबसे बड़ी हस्ती आपकी चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। देखिए चौधरी देवीलाल जो है इनका जन्म 25 सितंबर, किसानों का मसीहा, वेरी गुड, 25 सितंबर 1914। इसलिए हर साल 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका सम्मान दिवस, सम्मान, हरियाणा में हर साल 25 सितंबर को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला चुनाव कहां से लड़े थे? पहला चुनाव तो ये पहला चुनाव लड़े थे भट्टू, भट्टू से लड़े थे पहला चुनाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कितने बार रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 बार। कब कब रहे? 1977 से 79 और 1987 से 1989। ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व पीएम नहीं है, पीएम नहीं है, ध्यान रखिएगा फतेहबाद, वेरी गुड एलके सैन जी, पीएम नहीं थे, उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। कब रहे थे? तो उप प्रधानमंत्री रहे थे ये 1989 से 91, भारत के छठे उप प्रधानमंत्री, आई थिंक छठे ही थे वो, आप देख लीजिएगा एक बार, 89 से 91 तक उप प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद अगर बात करें इनके बारे में, 1987 में वृद्धावस्था पेंशन योजना, पेंशन इन्होंने शुरू की, ध्यान रखिएगा, 100 रुपए से। 1987 में पेंशन शुरू की, 1988 में किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ किया इन्होंने, हाँ उप प्रधानमंत्री, बिल्कुल छठे, वो देख लीजिएगा अभी ध्यान में, छठे थे या पांचवे जो भी था।
1987 में वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपए से 1988 में किसानों का कर्ज माफ किया और 1987 में ही इसी डेट में ही न्याय युद्ध एक आंदोलन चलाया था न्याय युद्ध के नाम से। आंदोलन तो नहीं था शायद, देख लीजिएगा, न्याय युद्ध बोला जाता है 1987, ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 1996 में INLD इंडियन नेशनल लोक दल की स्थापना, इंडियन नेशनल लोक दल जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, चश्मा, हाँ सिक्स ही थे, हाँ जी बेबी कुंडू जी बिल्कुल। तो 25 सितंबर 1914 और इनकी मृत्यु, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 2003 में इन्हीं के नाम से CDLU सिरसा में यूनिवर्सिटी बनाई गई, CDLU के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ। हर साल ये आपको ध्यान रखना, इसमें थोड़ा विवाद है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में जब आप विकिपीडिया चेक करेंगे तो 1914 हिंदी विकिपीडिया अगर आप देखेंगे चौधरी देवीलाल जी के बारे में 1914 आएगा, इंग्लिश विकिपीडिया देखेंगे तो 1915 आएगा, वो आप देख लीजिएगा, हमारे अकॉर्डिंग 1914 है। 25 सितंबर 1914 सम्मान दिवस, वैसे एसएससी नहीं करेगी कि 1914 13 14 15 16 ऐसे आंसर दिया, ऑप्शन दिया जाए आप लोगों को, सौरभ शर्मा जी राम राम। तो 25 सितंबर 1914 को जन्म, सम्मान दिवस, पहला चुनाव भट्टू से लड़ा और इसके अलावा राजस्थान से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, यह भी आपको ध्यान रखना। मुख्यमंत्री दो बार बने, 70 से 79 और 87 से 89, उप प्रधानमंत्री 89 से 91 रहे थे, ध्यान रखिएगा। 87 में वृद्धावस्था पेंशन जो आजकल 2500 रुपए आजकल लगभग 2500 रुपए ये हो गई है पेंशन, लगभग 2500 रुपए, तो ये 100 रुपए से शुरू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। किसने शुरू की, चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में। नेक्स्ट 1988 में किसानों का कर्ज माफ, पहली बार किसानों का कर्ज माफ किसने किया था, हरियाणा ने, और किसने किया, यहाँ ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री उस टाइम कौन थे, चौधरी देवीलाल, जननायक, किसानों का मसीहा, किंग मेकर और हरियाणवी हरियाणा राजनीति का भीषम पितामा, यानी या फिर राजनीति का भीषम पितामा इनको कहा जाता है, ये इनके कई उपनाम हैं, ध्यान रखिएगा, जननायक, किंग मेकर, ताऊ के नाम से इनको जाना जाता था और राजनीति का भीषम पितामा इनको कहा जाता था। हाँ जी राव संजय राव रेवाड़ी, वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित मोहित रोहिला, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अगर आप लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है 4277, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सत श्री अकाल राजन सोनी जी, स्वागत है आपका। क्षेत्रफल 4277 सबसे बड़ा जिला। उसके बाद आंवला उत्पादन में अग्रणी, आंवला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है आपका, सिरसा, आंवला उत्पादन में आपका अग्रणी जिला है ये। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम वर्षा आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट, हरियाणा का नेपोलियन भी शायद, वेरी गुड, हां जी ये बहुत अच्छा आपने लिखा है, हरियाणा का नेपोलियन भी इनको कहा जाता है। तो हरियाणा में सबसे कम, हरियाणा का नेपोलियन याद रखेगा, चौधरी देवीलाल, छोटा भीम, सिरसा, बिल्कुल ध्यान रखेगा। आंवला उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला आपका सिरसा है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है हरियाणा, और विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में होता है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां पर, सिरसा, ये भी ध्यान रखना है। खुले में सोच मुक्त जिला अगर पहला कोई सी पहला कौन सा बना था ये पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, सिरसा। पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो सुरखाब पर्यटन स्थल, सुरखाब
पर्यटन स्थल कहाँ पर है आपका, ये भी सिरसा में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, पाकिस्तान के सबसे करीब, ये क्वेश्चन शायद एसएससी ने पूछ लिया था, शायद, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान के सबसे करीब कौन सा जिला लगता है, तो आंसर क्या रहेगा, सिरसा। ओटू नामक एक गांव है यहां पर, उसमें वियराज बांध बनाया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। वियराज कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर ओटू सिरसा। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा, ओटू, हाँ ओटू डैम सही लिखा आपने। कपास सबसे ज्यादा होती है, ये भी सही है आपका, कपास व गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, सिरसा। सबसे ज्यादा रक्तदान, सबसे ज्यादा रक्तदान, रक्त दान का रिकॉर्ड किसके नाम है, सिरसा जिले के नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा रक्तदान आपका सिरसा। पशुपति संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय अगर आपसे पूछ लिया जाए, संप्रदाय का अभिलेख कहाँ से मिला है, तो ये जोधका एक गांव है, जोधका सिरसा से मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ये भी कहां पर है, सिरसा में। रजन सोनी जी, लोकल लैंग्वेज में घग्गर को नैली नहीं कहते, घग्गर के द्वारा बनाए गए मैदान को नैली कहते हैं। घग्गर द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, घग्गर का जो मैदान है आसपास का, उसको नैली कहा जाता है, और मारकंडा के द्वारा बनाया गया मैदान जो साइड में है, उसको बेंट कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिरसा में सबसे ज्यादा गायें, हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने, सबसे ज्यादा गायें हैं, वो आप लिखेंगे अभी। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ये आपका कहाँ पर है, ये भी। उसके बाद तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया, ये भी आपके कहाँ पर है, सिरसा में। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का निर्माण करवाया था गोपाल कांडा और उसके भाई ने, ध्यान रखिएगा, राम राम सोनिका मोर जी। उसके बाद तारा बाबा की कुटिया हो गई, हाँ सबसे ज्यादा गायें, गायें सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहीं पर। और सिंचाई पता होना चाहिए, अभी आपको बताया था सिंचाई किस नदी से की जाती है, तो घग्गर नदी। हाँ दुखी स्मारक, पूरा नाम लिखिएगा, लीलाधर, लीलाधर दुखी स्मारक, ये भी आपका कहाँ पर है, या फिर संग्रहालय आप बोल सकते हैं इसको, संग्रहालय, लीलाधर दुखी संग्रहालय, ये आपका कहाँ पर है, सिरसा में, लीलाधर दुखी स्मारक। तो लगभग मोस्टली चीजें हम कवर कर चुके हैं। हाँ खट्टे फलों में अभी बताया है, आंवला उत्पादन में सुनीता दुग्गल का, यहाँ की विधायक, विधायक नहीं है सांसद है, मोहित रोहिला जी, मोहित रोहिला सांसद है, विधायक नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। लीलाधर दुखी संग्रहालय हो गया, और कैशलेस गांव भी है यहाँ पर, पहला कैशलेस गांव, कैशलेस गांव कौन सा है, नीलावली। और एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो आई थी आपकी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उसके क्रियान्वयन में पहला जिला कौन सा था, आप दो जिले थे आपके, सिरसा व महेंद्रगढ़। सिरसा व महेंद्रगढ़, राष्ट्र एमएलए गोपाल कांडा, हाँ गोपाल कांडा है एमएलए यहां से, अभी बताया था आपको, थोड़ा सा रिपीट कराएंगे, आप लेट आए हैं, हमने सभी एमएलए कराए थे, सभी सीटें आपकी यहाँ पर करवाई थी, वो अभी बताएंगे। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पर है, सिरसा में। उसके बाद तारा बाबा की कुटिया आपकी कहाँ पर है, सिरसा में, सबसे ज्यादा गायें,
ये भी आपका सिरसा में, लीलाधर दुखी संग्रहालय ये भी सिरसा में, कैसलेस गांव आपका नीलावली पहला ये भी कहां पर है, सिरसा। उसके बाद राधा स्वामी सिकंदरपुर का डेरा, राधा स्वामी यहां पर मेला भी लगता है राधा स्वामी का, सिकंदरपुर का डेरा, सिकंदरपुर का डेरा आपका कहां पर है, सिरसा में, राधा स्वामी सिकंदरपुर का डेरा। एक रुपिंदर हांडा के नाम से गायक है, रुपिंदर हांडा ये आपका फेमस पर्सनैलिटी में रह गया था गायक, इनका संबंध भी कहां से है, सिरसा से। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा जो है ये भी कहां पर है आपका, सिरसा में। ये कब बना था, बेगू रोड पर है सिरसा के, 1948 में संत शाह मस्ताना, शाह मस्ताना जो थे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, संत शाह मस्ताना। उसके बाद संत शाह सतनाम जी आए थे, सतनाम और तीसरे, तीन ही डेरे के प्रमुख हुए हैं। पहले हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला गांव, वेरी गुड, सिरसा में है। तो शाह मस्ताना 1948 में सिरसा डेरे की स्थापना, धन धन सतगुरु जी, बिल्कुल लगता है सत्संग आपने भी देखा है। शाह मस्ताना, शाह सतनाम दूसरे गुरु थे, तीसरे गुरु के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। हाँ, सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है, बिल्कुल सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है, लेकिन अब कौन बैठता है, आप बैठ जाइए कोई बात नहीं। शाह मस्ताना, शाह सतनाम, हाँ पिताजी कहते थे अपने घर वाले, पिता को तो पिता नहीं कहते, वहां पर जाके पिता कहते हैं। तो रुपिंदर हांडा गायक हैं, डेरा सच्चा सौदा 1948 में, शाह मस्ताना नाम ध्यान रखना है, सानू चौधरी जी नाम ध्यान रखना, शाह मस्ताना, तीसरे वाला नाम आपको ध्यान नहीं रखना, वैसे वो वाला एग्जैक्टली आपको ध्यान में रहेगा ये मुझे पता है, ये वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शाह सतनाम सबसे पहले मस्ताना फिर शाह सतना। हाँ, सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा है, ये हम करवा चुके हैं शायद, सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा। और अगर को देखिए गायें सबसे ज्यादा है, और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, गायें पालन में अग्रणी जिला, तो ये भी आपका कौन सा है, सिरसा। रानिया का विद्रोह, रानिया वो तो वही गुफा के बारे में तो वो वही बता सकते हैं जो वहां पर गए हैं लोग, हम लोग तो नहीं बता सकते, हमें इसके बारे में नहीं पता। शाह सतनाम राम रहीम ने ही मरवाया था, उसका हमें नहीं पता। एटीएस जी लोग चरण धोके पिया, हाँ विद्रोह 1818 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1818, और नेतृत्व किसने किया था, जाबित खान, जाबित खान ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद सालासर, हाँ ये बता चुके हैं लाभ सिंह, सालासर धाम टाउन पार्क, ये भी आपका कहां पर है, सिरसा में। शाह सतनाम खेल स्टेडियम, शाह सतनाम खेल स्टेडियम, ये भी आपका कहां पर है, सिरसा में, शाह सतनाम खेल स्टेडियम। नेक्स्ट, गाय पालन में अग्रणी जिला, रानिया का विद्रोह 1818, जाबिद खान ने, और ध्यान रखना है, नमस्कार जी पीके जी, ये एक चीज और ध्यान रखनी है, रानिया का और छछरौली का विद्रोह एक साथ हुआ था 1818, हाँ ट्यूबवेल से और नदियों सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, बिल्कुल जी। उसके बाद नेक्स्ट, एक परियोजना भी है यहां पर, मंजियाना, मंजियाना परियोजना, फल उत्कृष्टता केंद्र, फल उत्कृष्टता केंद्र, यहां पर स्थित है मंजियाना में, मंजियाना एक गांव पड़ता है सिरसा में, मंजियाना परियोजना ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मंजियाना परियोजना कहां पर, किस पहले तो पूछेगा मंजियाना परियोजना कहां पर है, तो सिरसा में।
कहां पर, मंजियाना में, और किसके लिए, फल उत्कृष्टता केंद्र। उसके बाद भगत सिंह स्टेडियम यहीं पर है, भगत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है आपका, सिरसा में। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण, अबूब शहर, और लाल मिट्टी यहां की है, याद रखना लाल मिट्टी। अगर पूछ लिया जाए लाल मिट्टी कहां पर मिलती है तो सिरसा में, लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर में। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण, जीव अभ्यारण, तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण आपका हरियाणा के सिरसा में है, सबसे बड़ा है, याद रखना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, हाँ सब 75% सिख, बिल्कुल लिखा भगत सिंह स्टेडियम, हाँ सबसे बड़ा अबूब शहर सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा सिरसा जिले में है। और नेक्स्ट अगर सिरसा के बारे में बात करें, काला तीतर प्रजनन केंद्र, तो ये भी आपका कहां पर है, सिरसा में, काला तीतर पर्यटन स्थल या फिर प्रजनन केंद्र। वेरी गुड, संजय दत्त ने शुरू किया था, नशा भगाओ बेटा बचाओ, आपने सही लिखा है। और ये भी याद रखिएगा संजय दत्त ने इसको शुरू किया था, संजय दत्त इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ब्रांड एम्बेसडर थे, नशा भगाओ बेटा बचाओ, हाँ अनकाई दलदल, बिल्कुल ये भी सही लिखा, अनकाई दलदल कहां पर है, सिरसा में, अनकाई दलदल। इसके बारे में ये है कि हरियाणा का सबसे निचला भाग, हरियाणा का सबसे निचला भाग अनकाई दलदल कहां पर है, सिरसा में, आपको ध्यान रखना है। एक आपका एलनाबाद है, एलनाबाद, और एक है डबवाली, डबवाली, डबवाली का पुराना नाम होता था दूबवाली, एलनाबाद का पुराना नाम होता था खड़ियल। एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी थी एलना, जब खड़ियल नाम से होता था तो ये बाढ़ के कारण ये डूब गया था, और एलनाबाद इसका नाम रखा गया, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इसको बसाया गया दोबारा से, उसकी पत्नी एलना के नाम पर। डबवाली को दूबवाली भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो आई थिंक काफी हो गया सिरसा के बारे में, तो एक बार देख लेते हैं शुरुआत से, और डबवाली जो है उसकी हंटर जीप फेमस है, जो अभी हमने लिखा था। तो सिरसा, सिरसा जिले की बात की हमने आज, एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे इसका, जितना हमने किया है लगभग 32 मिनट हमें हो गई पढ़ाते हुए, तो 32 मिनट का सिर्फ 5 मिनट में ही एक बार देख लेंगे। तो स्थापना 26 अगस्त 1975, इससे पहले आपको पता होगा कि इससे पहले आपका सबसे पहले 22 दिसंबर, हाँ कोई बात नहीं आरती जी, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जितना हमने करवाया है वो रिपीट करेंगे जितना हो चुका है। उससे पहले बात करते हैं 26 अगस्त 1975, इससे पहले 7 जिले थे हरियाणा के, उसके बाद 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत व भिवानी बने, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना, और बात करें 26 अगस्त 1975, तो जिला आया आपका सिरसा। एक कल आपका जो था 1945, उसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा 1945, ये क्वेश्चन था कल आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, कल डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी ये बताइएगा, सोनीपत, हाँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट थी, उसमें लक्ष्मी चंद की जो मृत्यु है यानी निधन 1945 में हुआ था, 43 शायद आपको बोल दिया था फ्लो में, जब रिवीजन करवा रहे थे तब बोल दिया था, तो 1945, 1903 में जन्म हुआ था लक्ष्मी चंद का, और 1945 में मृत्यु, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। स्थापना 26 अगस्त 1975, नामकरण सिरसूति, देखिए सिरसूति कहा जाता था, अष्टाध्यायी थी पाणिनि ऋषि की पुस्तक इसके अंदर, और राजा सास ने 1357 में सार्स नाम से बसाया था, उस समय इसको सरस्वती नगर, सरस्वती नगर कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, तो उपनाम की अगर बात करें तो सरस्वती नगर, वन नगरी और संत नगरी इसे कहा जाता है, तीन इसके उपनाम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सुनीता IRS, सुनीता दुग्गल, यानी सुनीता दुग्गल यहाँ से क्या है, सांसद है, लोकसभा की सीट है, यहाँ से आरक्षित जो है, अंबाला और लोकसभा दो ही आरक्षित सीट है, 10 में से आपकी टोटल 10 सीट लोकसभा की। विधानसभा सीट की अगर बात करें तो एलनाबाद, सिरसा, कालांवली, रानिया और डबवाली, ये आपकी सीट्स हैं, एलनाबाद, सिरसा, कालांवली, रानिया, डबवाली, कितनी हो गई, 5 सीट है।
एलनाबाद अभी खाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, सिरसा गोपाल कांडा यहां से विधायक है, हलोपा या फिर एचएलपी हरियाणा लोकहित पार्टी जिसकी एक ही सीट आई थी 14वीं विधानसभा में। कालावली से शिषपाल सिंह है, रानिया से रणजीत सिंह है, डबवाली से अमित सिहाग है। उसके बाद मेले बाबा भूमन शाह मेला, ये आपका सिरसा में लगता है। राधा स्वामी सिकंदरपुर, ये राधा स्वामी का मेला सिकंदरपुर गांव में लगता है। रामदेव का मेला भी यहीं पर लगता है। गुरु गोविंद सिंह गोलक का मेला, देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और सिखों के पहले, दोनों का पर्व मनाया जाता है सिरसा में, ऐसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गणगौर का मेला, गणगौर का मेला भी आपका कहां पर, सबसे कम अंतर वोटों का, क्या लिखा आपने ये, उसके बाद गणगौर का मेला भी यहीं पर लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रमुख हस्तियों की अगर बात करें तो जादूगर शंकर सम्राट, जादूगर शंकर सम्राट की अगर बात करें तो जादूगर शंकर सम्राट आपका सिरसा से रिलेट करते हैं। चांदबाई हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्राही थी चांदबाई, और पहले जेल सत्याग्राही पूछ लिया जाए तो लीलाधर, सॉरी मुरलीधर, ध्यान रखिएगा मुरलीधर। गोपाल कांडा एचएलपी, हलोपा ध्यान रखिएगा, हलोपा से इनका संबंध है, राजनेता है। सरदार सिंह का संबंध हॉकी से है। उसके बाद धीरू मलखान अल्हा काव्य से इनका संबंध है। सुनील गरोवर डॉक्टर गुलाटी के नाम से जाने जाते हैं, अभिनेता हैं। अशोक तंवर आपके राजनेता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चौधरी देवीलाल, ये इंपॉर्टेंट है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में हर चीज आपको पता होनी चाहिए, जितना यहां पर लिखा है काफी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज कहीं से मिलती है तो इंपॉर्टेंट है, ले लीजिएगा कहीं से भी। 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ, पहले ही बता चुके हैं जब लिखा था कि 1914 हिंदी विकिपीडिया के अनुसार है, इंग्लिश विकिपीडिया के अनुसार आपका आंसर रहेगा 1915, वो चेक कर लीजिएगा। नशा भगाओ बेटा बचाओ, ये बिल्कुल बता चुके हैं 5 सितंबर 2018, अभी बताया था। सम्मान दिवस की अगर बात करें तो 25 सितंबर को हरियाणा में हर साल सम्मान दिवस मनाया जाता है। पहला चुनाव भट्टू से लड़े थे, राजस्थान से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था 1977 से 1979, पहली बार ये हरियाणा के सीएम रहे, और 1987 से 1989 तक ये हरियाणा के दूसरी बार सीएम रहे, 1989 से 1991 तक उप प्रधानमंत्री भारत के 6 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, हो गया कंप्लीट जी, बिल्कुल। उसके बाद उप प्रधानमंत्री आपको बता दिया गया है। जननायक किसानों का मसीहा, जननायक किंग मेकर, राजनीति के भीष्म पितामह इनको माना जाता है। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना 1987 में इन्होंने शुरू की 100 रुपए से, और उसी समय 1987 में न्याय युद्ध इन्होंने चलाया था। 1988 में किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ करने वाला भारत का पहला राज्य आपका हरियाणा था, ये आपको ध्यान रखना है। 1996 में INLD इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की, और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2003 में अगर बात करें तो CDLU सिरसा के में इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई, CDLU। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम आपका दो है, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट स्टेडियम और एक और है आपका, देखिए इंडोर खेल स्टेडियम अगर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर क्रिकेट स्टेडियम आपका पंचकुला में है, और चौधरी देवीलाल स्टेडियम सीधा पूछ लिया जाए तो गुरुग्राम में है, और चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल प्राकृतिक पार्क आपका यमुनानगर चुहरपुर आरक्षित जो क्षेत्र है। शिवा कौशिक वेरी गुड मॉर्निंग, रानी चहल 1988 में कर्ज माफ, वेरी गुड। उसके बाद क्षेत्रफल 4270 बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का जिला वर्तमान में सिरसा है, ये आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सिरसा, सबसे कम पंचकुला, सॉरी फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर, पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर है। नेपोलियन इनको कहा जाता है, जो आपके चौधरी देवीलाल जी हैं इनको हरियाणा का नेपोलियन कहा जाता है। आंवला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है आपका, सिरसा, खट्टे फलों में भी अग्रणी है, या खट्टा ही होता आंवला भी वैसे, और सबसे ज्यादा विटामिन सी यहाँ पर पाया जाता है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है, विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में। खुले में शौच मुक्त जिला आपका सिरसा, सुरखा पर्यटन स्थल आपका ये भी सिरसा में है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पाकिस्तान के सबसे करीब कौन सा जिला लगता है हरियाणा का, तो सिरसा जिला, सबसे कम वर्षा भी सिरसा में होती, बिल्कुल सही लिखा, विटामिन सी फॉर सिरसा, हाँ बिल्कुल। ओटू नामक ये गांव है, यहां पर विराजमान बनाया गया है गग्गर नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। कपास व गेहूं
और घग्गर नदी सिरसा से ही बाहर निकलती है हरियाणा से, ये आपको ध्यान रखना है। कपास व गेहूं उत्पादन में अग्रणी आपका जिला है। सबसे ज्यादा दान का रिकॉर्ड इसके नाम है। पशुपति संप्रदाय के अभिलेख जोधका नामक स्थान से पशुपति संप्रदाय के अभिलेख मिले हैं, जिनका संबंध नेपाल देश से है। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका सिरसा में है, ध्यान रखिएगा। और वो लिखा हुआ सिरसा और महेंद्रगढ़, उसका क्या मतलब है? देखिए रोजगार गारंटी योजना जो आई थी, नरेगा जिसे बोला जाता था, सबसे पहले हरियाणा के दो जिलों में लागू हुई, दो जिलों में ही, सिरसा और महेंद्रगढ़। उसके बाद तारा बाबा की कुटिया सिरसा है, ध्यान रखिएगा। गेहूं की टोकरी, गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा गायें यहां पर होती हैं, सबसे कम पूछ लिया जाए या तो आप ऑप्शन में रेवाड़ी मिलेगा, रेवाड़ी नहीं मिलता तो आंसर पंचकुला होगा। लीलाधर धुगी स्मारक आपका संग्रहालय, स्मारक के संग्रहालय ये भी आपका सिरसा में है। कैशलेस गांव कौन सा था? नीलावली। नेक्स्ट राधा स्वामी सिकंदरपुर का डेरा, ये मेला भी लगता है, अभी बताया था, तो ये आपका कहां पर है? सिरसा में। उसके बाद रुपिंदर हांडा गायक है, इनका संबंध भी सिरसा से है। डेरा सच्चा सौदा, देखिए डेरा सच्चा सौदा जरूर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 1948 में बना था, शाह मस्ताना ने इसकी स्थापना की थी। शाह सतनाम दूसरे गुरु थे, तीसरे गुरु के बारे में आप जानते हैं, उनका शुभ नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। उसके बाद गाय पालन में अग्रणी जिला, गाय पालन में अग्रणी जिला आपका कौन सा है? हाँ जी अनिल गिल, बिल्कुल, थैंक यू जी अनिल गिल जी। संतों की भूमि, हाँ बताया था आपको, संत नगरी और आपकी सरस्वती नगर, ऊंट व बकरी यहां पर पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊंट अनुसंधान संस्थान वैसे आपका बीकानेर में है, लेकिन ऊंट अनुसंधान क्षेत्रीय यहां पर आपका सिरसा में। चिल्ली झील फतेहबाद में, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका सिरसा में। गाय पालन में अग्रणी जिला आपका है। रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था, जाबिद खान ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद सालासर धाम टाउन पार्क, ये आपका सिरसा में है। सहा सतनाम खेल स्टेडियम, ये आपका सिरसा, क्या लिखा है, हाँ खेल स्टेडियम है, पार्क तो आपका ये वाला है सालासर धाम। और इसके बाद भगत सिंह स्टेडियम भी यहीं पर है, मंजियाना परियोजना जो फल उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट भगत सिंह स्टेडियम यहीं पर है। नेक्स्ट अगर बात करें एनएच कौन सा, NH9 लाभ सिंह जी, NH9 यहां से गुजरता है। उसके बाद हाँ रुपिंदर हांडा फेवरेट सिंगर, हाँ भगत सिंह स्टेडियम, वेरी गुड। अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य, देखिए हमारे हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं, सबसे बड़ा अबूबसैर माना जाता है, लेकिन आजकल ये बोला जाता है कई जगह पर कि अबूबसैर को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो जब ये ऑफिशियली आएगा तो इसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद लाल मिट्टी यहां पर पाई जाती है, लाल चेस्टनट मिट्टी आपकी यमुनानगर में, लाल मिट्टी आपकी सिरसा में, काला तीतर प्रजनन केंद्र आपका सिरसा में है। अनकाई दलदल हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र इसे माना जाता है सिरसा। नेक्स्ट अगर बात करें तो एलनाबाद का पुराना नाम खड़ियल और डबवाली का पुराना नाम दूबवाइल। तो यही था आज के बारे में जी, बिल्कुल जी, थैंक यू पीके जी। हाँ न्यूज आ रही है, लेकिन ऑफिशियली जब आएगा ITS जी, हम बिल्कुल आपको बताने का काम करेंगे। और देखिए अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास लगवाइएगा, और अच्छे सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी से पहले आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो वो भी ज़रूरी है। और लगभग 21 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। और उसके बाद बात करें तो आपकी एक ही डिस्ट्रिक्ट रहती है रेवाड़ी के नाम से, बहुत जल्दी उसको लेकर आएंगे, 22 डिस्ट्रिक्ट आपकी कवर हो जाएगी। एक बार कर ली है, एक बार और कर लीजिएगा, और वहाँ से जितना आपको हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो फैक्ट जो आपको नहीं आते वो कवर करें। और इसके 22 डिस्ट्रिक्ट करने के बाद कुछ समय बाद हम और डिस्ट्रिक्ट लेकर आएंगे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट आपकी रिटर्न होंगी यहाँ पर PPT के रूप में, ये आप ध्यान रखिएगा। हालिजवन देसी राकेश एमआर, हाँ जी, तो क्लास डेली लगवाते रहिएगा, अभी आपकी क्लास लगने वाली है साइंस की, आई थिंक अजय सर आपको टीच करेंगे फिजिक्स। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ प्लेलिस्ट है इसकी हरियाणा GK के जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज के नाम से, वहाँ पर आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।